निष्ठा 3.0 के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि पिछले 2 माह से हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित करते आ रहे हैं और प्रत्येक माह 2 कोर्स के बारे में जानकारी दिया जाता है, इस माह भी हम 2 कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे साथ तकनीकी जानकारी देने के लिए उपस्थित हैं तलोकर जी, नितिन तलोकर जी, सहायक प्राध्यापक SCERT रायपुर, और कोर्स के बारे में जानकारी देने के लिए मैडम स्वाति दास जो डाइट में कार्यरत है गणित विभाग में, और मैं PR साहू एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि कक्षा 1 से 5 तक में अध्यापन करने वाले समस्त शिक्षकों को यह कोर्स, जिसमें 12 कोर्स है, पूर्ण करना है। पिछले 2 माह में 2 कोर्स, पहले माह में अक्टूबर में 2 कोर्स और नवंबर में 2 कोर्स के बारे में चर्चा हुई, और इस माह हम कोर्स 5 और कोर्स 6 लेकर के आए हैं। कोर्स 5 और कोर्स 6 में भी उसी तरह की जानकारियां हैं जिस तरह के पिछले 1 से लेकर के 4 कोर्स में जो जानकारी थी उसी तरह की जानकारी है। अर्थात इन कोर्स को करने के लिए आपको ऑडियो सामग्री मिलेगा, वीडियो सामग्री मिलेगा, कंटेंट मिलेंगे, वार्तालाप से संबंधित कंटेंट मिलेंगे और अन्य सामग्री मिलेगा। जब किसी कोर्स को पूरा करना होता है तब यदि वो कोर्स पूरा हो जाता है तो अंत में उनको सर्टिफिकेट मिलता है, तभी हम उस कोर्स को पूरा करना मानते हैं या कोर्स पूरा होता है। तो आज कोर्स 5 और कोर्स 6 जब पूरा करेंगे तो आपको 2 सर्टिफिकेट इस माह भी हासिल करना होगा। और आप सबको मालूम ही है कि ये प्रत्येक कोर्स 3 से लेकर के 4 घंटे का होता है, और इस 3 से लेकर के 4 घंटे हमको पूरे 30 दिन में या 31 दिन में निकालना होता है, और इस पूरे कोर्स को करने के लिए 3 अवसर मिलते हैं। तो आज के जो कोर्स हैं, एक कोर्स है बुनियादी भाषा और साक्षरता। तो चलिए आज हम बुनियादी भाषा और साक्षरता पर जानकारी प्राप्त करें। बुनियादी भाषा और साक्षरता का आशय है, बुनियादी भाषा में मुख्य रूप से 4 बातें महत्वपूर्ण होती है, पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। 3 चारों दक्षताओं के बारे में विस्तृत चर्चा किया गया है, और जब इस कोर्स को आप पूरा कर लेंगे बुनियादी भाषा और साक्षरता को, तब भाषा के विभिन्न पहलुओं जैसे भाषा की प्रकृति, संसाधन और रणनीति के रूप में बहुभाषिकता की भूमिका और शिक्षा नीति के संदर्भ में भाषा की भूमिका को समझने में आपको मदद मिलेगी। इसके बाद है विद्यार्थियों में बुनियादी साक्षरता विकसित करने के लिए जो भी रणनीति बनी हुए है, इससे पहले जिसमें प्रिंट रिच वातावरण, समृद्ध बनाना, प्रातःकालीन संदेश विद्यालयों में होता है इसके बारे में, चित्र है, पुस्तकें हैं, कहानी है, ये सब पढ़ना लिखना बच्चों को कैसे सिखाया जाए, इस कोर्स करने के बाद शिक्षक सक्षम हो जाएंगे। बुनियादी साक्षरता कौशल के अंतर्गत पढ़ने और लिखने के लिए एकीकृत कौशल संबंधी दृष्टिकोण से परिचय प्राप्त करने में सक्षम होंगे। बच्चों के प्रति संवेदनशीलता और उनके साथ सहज संबंध विकसित करने के लिए सक्षम होंगे। अधिगम के लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं आकलन के लिए बाल साहित्य और संबंधित रणनीतियों के उपयोग व उसकी प्रक्रिया को समझने में शिक्षक
सक्षम होंगे। ये इतने सारे उद्देश्य हैं, जब इस पूरे कोर्स को करेंगे तो आपके ये सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होगी, जो एक शिक्षक के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। एक विद्यालय में बच्चों की शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। इस कोर्स की रूपरेखा के बारे में कहें तो बहुत सारे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा किया गया है, जिसमें से भाषा और साक्षरता को समझना, भाषा की प्रकृति और उसके कार्य को समझना, बहुभाषिकता क्या है और बहुभाषिकता एक चुनौती है कि एक संसाधन है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। भाषा और भाषा के अधिगम क्या है, इससे संबंधित आपको जानकारी मिलेगी। ध्वन्यात्मक जागरूकता किसे कहते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। स्वयं से बातें करते हुए सीखने की अवधि, जिसको हम मूक अवधि कहते हैं, ये सीखने के लिए कितना महत्वपूर्ण है मूक अवधि, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। भाषा और साक्षरता के साथ संलग्नता किस प्रकार से होती है, ये आपको पता चलेगा। पढ़ने के विभिन्न पहलू क्या है, पढ़ना क्या है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी। पढ़ने में शामिल प्रोसेस क्या है और एक टीचर को किस तरह से उसका अपना व्यवहार बच्चों के साथ करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी। विचार प्रक्रिया के रूप में लेखन, लेखन क्या चीज है और किस तरह से लेखन कार्य होता है, बच्चे कैसे लिखते हैं, किस तरह से उसके विचार आते हैं लेखन के समय में, ये इस तरह की जानकारी आपको मिलेगी। और लेखन से जुड़ी रणनीतियाँ, क्या क्या रणनीति बनानी चाहिए जिससे लेखन समृद्ध हो, इनके बारे में आपको पता चलेगा। बाल साहित्य सीखने के लिए कितना मददगार हो सकता है, बहुत सारे इसमें आपको एग्जाम्पल मिलेंगे। और बाल साहित्य विद्यालय में किस तरह से उपयोग करना चाहिए और कौन कौन से बाल साहित्य होना चाहिए, इनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। सीखने सिखाने की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको पता चलेगा। और आकलन कैसे करना चाहिए, सीखने सिखाने की प्रक्रिया का आकलन कैसे करना चाहिए, बच्चे ने क्या सीखा इसकी आकलन कैसे करना चाहिए, इसने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जब इस कोर्स को पूरा करेंगे तो ये इतने सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको जानकारी मिलेगी। तो इनसे पता चलता है कि ये कोर्स कितना महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए, और एक शिक्षक को जब तक इन सारी बातों को पता नहीं लगेगा तो वो बच्चे को कैसे बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को प्राप्त करने में सहायक हो सकेगा। तो साथियों, इन सारे बिंदुओं को अच्छी तरह से समझने के लिए इस कोर्स को ठीक से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। और हम इस कोर्स के बारे में मुख्य मुख्य बातें आपको बताएंगे जो आपको कोर्स को पढ़ने के लिए समझने के लिए मददगार होगा। इनमें से पहला बिंदु है भाषा और साक्षरता की समझ। भाषा और साक्षरता की समझ का आशय है बुनियादी साक्षरता, और बुनियादी साक्षरता के अंतर्गत आता है पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं ये जानकारी मिलेगी आपको इस कोर्स में, पढ़ना कैसे सीखते हैं, लिखना कैसे सीखते हैं, और ये सारी जानकारी आपको बाल साहित्य के विभिन्न पहलुओं से पता चलेगा। जैसे हम अपने विद्यालय में पढ़ना या लिखना सिखाते हैं तो इस आपको इस कोर्स में ये बताया गया है कि हम अक्षरों को पहले पढ़ाते हैं, अक्षरों को पहले लिखाते हैं। यदि किसी शिक्षक अक्षरों को पढ़ना लिखाना बच्चों को सिखा रहा है तो इसका मतलब है वो एक सीमित दायरा में पढ़ना लिखना सिखा रहा है, उसको विस्तृत कैसे बनाया जाए इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। कि बच्चे को वर्ण पहले सिखाएं कि वाक्य पहले सिखाएं कि अक्षर पहले सिखाएं कि शब्द पहले सिखाएं, ये सारी बातें एक विस्तृत रूप में आपके सामने कोर्स में उपलब्ध है। बुनियादी साक्षरता का आशय क्या है, तो बुनियादी साक्षरता का आशय है पढ़ना और लिखना। लेकिन जब हम पढ़ने और लिखने की बातें करते हैं तो उसमें मौखिक भाषा आता है। मौखिक भाषा में जो शामिल है वह है सुनना और बोलना। तो कभी भी पढ़ना और लिखने की बातें हो रही है
या कार्य हो रहा है तो उसमें सुनना और बोलना भी होता ही रहता है। ये बुनियादी साक्षरता की महत्वपूर्ण घटक है। मौखिक भाषा की कुशलता अर्थात सुनना और बोलना, आप कितने अच्छे ढंग से सुनना सिखा सकते हैं, कितने अच्छे ढंग से बोलना सिखा सकते हैं, ये कुशलता यानी कि सुनना और बोलना की कुशलता पढ़ने लिखने की कुशलता को प्रभावित करते हैं। तो हम मौखिक भाषा को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, मौखिक भाषा बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि लिखित भाषा जिसको हम पढ़ना और लिखना कहते हैं, मौखिक भाषा के साथ साथ चलता है, ये एक दूसरे के पूरक है। जितना लिखित भाषा का महत्व है उतना ही मौखिक भाषा का महत्व है। जब हम पढ़ना लिखना सीखते हैं तो मौखिक भाषा इसमें मदद करती है। हमारी अपनी जिंदगी में पढ़ना लिखना जहाँ जहाँ मौजूद है, हमारी जिंदगी में सुनना बोलना भी वहाँ वहाँ मौजूद है। जहाँ सुनना शामिल है वहाँ बोलना शामिल है, जहाँ बोलना शामिल है वहाँ पढ़ना शामिल है, और जहाँ पढ़ना शामिल है वहाँ लिखना भी शामिल है। तो पढ़ना लिखना सुनना बोलना कितना महत्वपूर्ण है। ये भाषा की चारों कुशलताएं एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। यदि एक पर अधिकार है और दूसरे पर अधिकार नहीं है तब यह उचित प्रक्रिया नहीं होगा, सीखने सिखाने में दिक्कतें आएंगी। जब एक पर अधिकार दूसरे पर अधिकार प्राप्त करने का माध्यम बनता है, इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मौखिक भाषा अलग काम करती है और लिखित भाषा अलग काम करती है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। किस तरह से पढ़ना लिखना सिखा सकते हैं, बहुत सारे कहानी है, इसमें से मैं एक कहानी पर आपको चर्चा करना चाहूँगा कि किस तरह से पढ़ना लिखना सुनना बोलना एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। एक कहानी है मिठाई, मिठाई नाम का एक कहानी है, शायद आप लोग पढ़े होंगे ये कहानी, बहुत ही फेमस कहानी है और NCERT ने पुस्तक प्रकाशित किया गया है जिसमें 40 कहानी है, उसमें से सबसे लोकप्रिय कहानी है मिठाई। कहानी इस प्रकार से चालू होता है कि एक गधे को मिठाई खाने की इच्छा जागृत होती है, तो वह हाथी से कहता है कि मिठाई खाने की इच्छा है, तो हाथी कहता है ये लो गन्ना आप मिठाई खा लो, तो वो गधा कहता है नहीं मैं नहीं खाऊंगा। फिर उसके बाद एक खरगोश के पास जाता है, खरगोश कहता है ये लो गाजर मिठाई खाइए, तो गधा कहता है कि नहीं मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। फिर वह भालू के पास जाता है, भालू कहता है ये लो शहद मिठाई खाइए, गधा कहता है कि नहीं। तो ये यदि पहले हाथी का चित्र है, उसके बाद खरगोश का चित्र है और उसके बाद भालू का चित्र है, तो आप यदि भालू के चित्र के बाद यदि एक बिल्ली का चित्र हो तो बच्चा क्या कहेगा? तो भाषा किस तरह से सीख रहे हैं, एक दूसरे से जोड़ करके सीख रहे हैं। तो बच्चा कहेगा यदि बिल्ली का चित्र है तो बच्चा कहेगा कि बिल्ली ये कहेगी ये दूध पियो और मिठाई खाओ, तो गधा क्या कहेगा नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगा मिठाई नहीं खाऊंगा। तो ये इस तरह से भाषाएं सीखते हैं, तो ये बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ देता है, और इस तरह से कहानी बढ़ती है और उसको जब बच्चे को रोचकता आती है वो अपने आप बोलना चालू करते हैं, अपने आप सोचना चालू करते हैं, और जब अपने आप बोलना चालू करेंगे सुनना चालू करेंगे तो फिर वो अपने आप पढ़ना भी चालू करेगा। हाथी के चित्र के नीचे हाथी लिखा हुआ है, गधे के चित्र के नीचे गधा लिखा हुआ है, और खरगोश के चित्र के नीचे यदि खरगोश लिखा हुआ है, तो ये भाषाई ज्ञान ये कहता है
कि जिस तरह से हाथी के चित्र को चित्र के रूप में देखता है, हाथी के नाम को भी प्रारंभिक स्तर में चित्र के रूप में देखते हैं बच्चे और उसको समझने का प्रयास करता है। यदि उसी प्रकार से कहीं पे लिखा हो तो उस चित्र से संयोग जोड़ करके कहीं पे दूसरी जगह हाथी लिखा हुआ तो ये कहेगा कि ये हाथी लिखा हुआ है, जबकि आप उसको हाथी लिखा हुआ है नहीं पढ़ा है। तो ये इस तरह से भाषा के बारे में बातें कही गई है जो एक शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम दूसरा बिंदु पर चलते हैं, बहुभाषिकता क्या है। मल्टीलिंगुअल पर बहुत सारे चर्चा होती है लेकिन बहुभाषिकता क्या है? तो बहुभाषिकता का मतलब है हम शब्दार्थ में जाएं, शब्द बहुभाषिकता के शब्दार्थ को लेंगे तो बहुत सारी भाषाएं होनी चाहिए, यानी कि एक से अधिक भाषाएं आनी चाहिए। तो एक से अधिक भाषा का क्या मतलब है? कि कक्षा के प्रत्येक बच्चे के पास एक से अधिक भाषा होता है। किस तरह से हम इसको समझ सकते हैं? यदि किसी बच्चा के बारे में कहें, एक छोटा बच्चा है, उनकी घर में बोली जाने वाली भाषा एक उसकी भाषा होगी, जिसको हम मातृभाषा कहते हैं, वो एक उसकी भाषा होगी। कल्पना कीजिए कि कुछ दिन के बाद वो कहीं दूसरे जगह चला गया, चाहे उसके पिताजी का स्थानांतरण हो गया या कहीं चला गया। अब वो जिस जगह में जाएगा वहाँ भी वो भाषा सीखेगा, तो एक वो दूसरी भाषा जानेगा बच्चा। और आजकल तो फोन का किससे बातें होती रहती है, अपने नानी से दादी से बातें करते रहते हैं। और कल्पना कीजिए कि उसकी जो नानी है या उसकी दादी है कहीं अन्यत्र है, दिल्ली में है। एक कोई बच्चा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में कहें कि बस्तर में है, तो वहाँ वो उसकी भाषा एक गोंडी है या अन्य लोकल लैंग्वेज है। कहीं वो उसका ट्रांसफर हो गया और वो रायपुर आ गया, तो वहाँ देखेंगे कि छत्तीसगढ़ ही हो जाएगा, हिंदी भी हो जाएगा। और कहीं उसकी नानी कहीं दूसरे प्रदेश में है, मान लो उड़ीसा में है, तो एक उड़ीसा से उसकी नानी से बात करेंगे तो उसकी उड़ीसा में उड़िया भाषा भी हो सकता है। तो इस तरह से कक्षा में जो बच्चे हैं उसके एक से अधिक भाषा होता है और ये इसको हम बहुभाषिकता कहते हैं। क्या ये बहुभाषिकता बच्चे के सीखने के लिए बाधा है, चुनौती है कि क्या है? तो एक शिक्षक को इसको बारीकी से समझने की जरूरत है। ये जो बहुभाषिकता है बच्चे शिक्षक को उसके सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, न कि उसको समस्या के रूप में देखना चाहिए। तो ये बहुभाषिकता पर बहुत सारी बातें होती है। बहुभाषिकता क्या है वह बहुत अच्छे ढंग से समझाया गया है, तो एक शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कक्षा में बहुभाषिकता के चार रूप होते हैं, जैसे बच्चे की भाषा, स्कूल की भाषा और पाठ्यपुस्तकों से भिन्न हो सकती है। एक बच्चे की स्वयं की भाषा है, स्कूल में शिक्षक बोलते हैं उसकी भाषा अलग है, पाठ्यपुस्तक में लिखी हुई है उसकी भाषा अलग है। तीन प्रकार के भाषाएं हैं। अब उस शिक्षक को चाहिए कि बच्चे का लर्निंग अच्छा हो तो इन तीनों प्रकार की भाषाओं को एक संसाधन के रूप में देखें और उस तरह से टेकल करें, उस तरह से व्यवहार करें बच्चे के साथ कि उसकी भाषा का ज्ञान बढ़े। दूसरी संभावित स्थिति है, बच्चों की भाषा और स्कूल की भाषा समान हो सकती है लेकिन बच्चे अलग अलग भाषा बोलते हैं, बच्चे खुद अलग अलग भाषा बोल सकते हैं, दो प्रकार के भाषा बोल रहे हैं बच्चे और स्कूल की भाषा और पुस्तक एक ही है। तो इस तरह की विविधता पाई जा सकती है भाषा के बारे में, बहुभाषिकता के बारे में। उसी प्रकार है, बच्चों के घरों में बोली जाने वाली भाषा में दो या दो से अधिक भाषाओं का मेल हो सकता है और उसके स्कूल की भाषा अलग हो सकती है। और संभावित जो चौथा स्थिति है, बहुभाषी परिवार में परिवार के एक दूसरे सदस्य भी अलग अलग भाषा बोलते हैं। जो बहुभाषिकता को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षक उसे संसाधन के रूप में देखे, समस्या के रूप में न देखे, बाधा के रूप में न देखे। इसलिए उसको कैसे बहुभाषिकता वाले बच्चे के साथ काम करना चाहिए, ये कोर्स में जब पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा विस्तृत जानकारी मिलेगा।
भाषा एवं भाषा की कौशल की समझ, भाषा क्या है और भाषा की कौशल क्या क्या है, इनकी समझ कैसे होती है, कैसे बनती है, इस पर जो बातें हैं तो संक्षिप्त में इन पर हम इस बातें पर हम चर्चा करना चाहेंगे। हमारे देश में बुनियादी शिक्षा को लेकर वर्तमान विमर्श से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न और चुनौतियां हैं, उनमें से बच्चे पढ़ना और लिखना कैसे सीखते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। भाषा के संबंध में शिक्षक बच्चों को अर्थपूर्ण ढंग से पढ़ना और विभिन्न उद्देश्यों और अभिव्यक्ति के लिए लिखना कैसे सिखाते हैं, ये चुनौती है। ये शिक्षकों को कैसे पढ़ाना चाहिए, ये भी बड़ी चुनौती है। पढ़ना और लिखना क्या है, इस पर समझ बनाना बड़ी चुनौती है। पढ़ने और लिखने का विकास कैसे होता है, बच्चे भाषा साक्षरता कौशल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये चुनौतियां हैं। और इसके अवयव क्या है, भाषा प्रारंभिक साक्षरता कौशल का प्रमुख अवयव है, इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि भाषा कैसे होना चाहिए, किसके लिए होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। चुनौतियां के बारे में अभी हम देखें कि कैसे पढ़ाना चाहिए शिक्षक को, पढ़ना लिखना क्या है वो कैसे समझे, और इन चुनौतियों के बाद इनके प्रमुख घटक क्या है, प्रमुख अवयव क्या है, जिसमें से पहली बात है भाषा अभिव्यक्ति और आत्मविकास का माध्यम है, अपने बारे में बताने का और अब सेल्फ डेवलपमेंट करने का माध्यम है। बच्चों की भाषाएं अलग अलग और ज्ञान युक्त होती है, बच्चों की भाषाओं को निरर्थक बिल्कुल ही नहीं समझा जाना चाहिए। बच्चे की कोई भी भाषा निरर्थक नहीं होती है, वो ज्ञान युक्त होती है, भले ही हमको समझने में दिक्कत आता हो या हम नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी हम यह कह देते हैं कि क्या बच्चा क्या बोल रहा है, बकवास कर रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं होता है। वो कुछ भी कह रहा है वो अपने अपने लिए ठीक कह रहा है, जिसको हम नहीं समझ पाते हैं और हम उल्टा समझ पाते हैं कि बच्चा क्या कह रहा है, जबकि उल्टा ये होता है कि हम उसकी भाषा को नहीं समझ रहे हैं। तो एक शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे की भाषाएं अलग अलग होती है और ज्ञान युक्त होती है, नॉलेज फुल होती है, जिसको एक शिक्षक को समझने की आवश्यकता है। भाषा का तात्पर्य केवल वर्णमाला सीखना नहीं है, अपितु यह विभिन्न सामाजिक संदर्भों में उपयोग से संबंधित होती है, विशेष रूप से सीखने के प्रारंभिक वर्षों में। भाषा क्या है, भाषा से हमारा तात्पर्य क्या है, हम किसको भाषा मानते हैं, तो कई तरह की दिमाग में कई प्रकार से प्रश्न आते हैं कि भाषा क्या है कहेंगे तो किसको हम भाषा है कहेंगे। जवाब में आमतौर पर एक ही जवाब आता है कि भाषा संचार का माध्यम है। भाषा क्या है, तो भाषा संचार का माध्यम है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बातचीत करने और दूसरों तक संदेश भेजने की एक स्वाभाविक मानवीय इच्छा है। भाषा संचार का माध्यम है और अपने बातों को दूसरे तक पहुंचाने की मानवीय इच्छा है, तो वो किस तरह से कैसी भाषा का उपयोग करे और किस तरह से कैसी भाषा के उपयोग करे, ये जानने के लिए उसको पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, सुनना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, तब वो भाषा के बारे में जो दक्षताएं हैं वो विकसित हो सकेगा। भाषा के संबंध में एक दिलचस्प परिघटना यह है कि एक ही तरह से सीखी जाती है। भाषा चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे मातृभाषा हो, विदेशी भाषा हो, कोई भी भाषा हो, इसके बारे में एक ही बात है कि सारी भाषाएं सीखने का एक ही माध्यम है, एक ही तरीका है। अंग्रेजी को अलग तरीके से सीखेगा, हिंदी अलग तरीके से सीखा, ऐसा नहीं होता है।
जैसे हमारे दिमाग में या शिक्षकों के दिमाग में, लोगों के दिमाग में ये बात रहते हैं कि अंग्रेजी कठिन होता है, हिंदी सरल होता है, या और कोई भाषा के बारे में विभिन्न तरह से हमारा व्यू होता है। लेकिन भाषा के जानने वालों का मानना है कि सारी भाषाओं को सीखने का केवल और केवल एक ही तरीका है, इसलिए किसी भाषा को नहीं सीखा जा सकता ऐसा नहीं हो सकता है, या किसी भाषा को आसानी से सीखा जा सकता है ऐसा भी नहीं हो सकता है। भाषा निम्नलिखित अवयवों से बनती है, ध्वन्यात्मक, जिसको फोनोलॉजी कहते हैं। ध्वन्यात्मक का मतलब है वर्ण का उच्चारण और वर्ण कैसे लिखा हुआ है। वर्ण का उच्चारण करते समय जो उच्चारण जो निकलता है, और क यदि हम कहते हैं कि क कैसे लिखा है, उसका शेप क्या है और क कैसे बोल रहे हैं, ये ध्वन्यात्मक के अंतर्गत आता है। उसके बाद है शब्द रचना, इसको बोलते हैं मॉर्फोपोलॉजी। इसमें शब्द रचना में शब्द किसी वाक्य में शब्द कैसे जुड़ा हुआ है और उस वाक्य को पढ़ने के बाद उस शब्द का क्या अर्थ होता है, ये दूसरी बातें होती है। शब्द रचना कैसे होती है, फिर वाक्य रचना, किसी पैराग्राफ में कितने सारे वाक्य हैं उनको किस क्रम में जमाया गया है और प्रत्येक जो वाक्य है एक दूसरे वाक्य से कैसे जुड़ा हुआ है। उसके बाद है व्यवहारिकता, और इन चारों को हम कहते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। अगला, सीखने की मुख अवधि, शायद सुने होंगे, सीखने की मुख अवधि क्या होती है, उस समय को हम सीखने की मूक अवधि के नाम से जानते हैं जब वो स्वयं से बातें करते हुए सीखने की अवधि होती है। मातृभाषा या बच्चे की पहली भाषा है। इसके अलावा जब वो कोई अन्य भाषा सीखता है या किसी कोई अन्य भाषा बोल रहा होगा उस भाषा को सुनता है, तब वह कुछ क्षण के लिए वो चुप हो जाता है, मूक हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, इस अवधि को मूक अवधि कहते हैं। उस समय बच्चे के मनोमस्तिष्क में अलग विचार चल रहा होता है, वो अपने पूर्व ज्ञान को जोड़ रहा होता है कि ये किससे रिलेटेड है, किस तरह की बातें हो रही है, और वो कुछ नया सोचता है और नया सीखता है। तो उस समय जब वो बच्चा चुप रहता है, मूक समय रहता है, तो हमको यह नहीं समझना चाहिए कि बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं सीख रहा है। और इस अवधि को एक शिक्षक को अच्छी तरह से जानने की जरूरत है, उस बच्चे ने क्या सीख रहा है, उसके बच्चे के मनोमस्तिष्क में क्या बातें आ रही हैं, ये इस चीज को जानने की जरूरत है। यह देखा गया है कि सीखने के दौरान बच्चे संवाद करना बंद कर देते हैं और थोड़े समय के लिए चुप हो जाते हैं। इस अवधि को नो इनटेक, नो लर्निंग पीरियड के रूप में बिल्कुल ही नहीं समझना चाहिए। अर्थात इसका मतलब यह नहीं है कि इस समय में बच्चे कुछ भी आत्मसात नहीं कर रहे हैं, नो इनटेक या नो लर्निंग हो रहा है ऐसा बिल्कुल ही नहीं समझना चाहिए। वास्तव में मूक अवधि के दौरान बच्चा इस बारे में जानकारी को आत्मसात कर रहा होता है कि कैसे उसके माता पिता या उसके शिक्षक या उसके दोस्त अपनी भाषा या भाषाओं का उपयोग करते हैं, इनको वो सोचता रहता है। इसे स्वयं से भाषा सीखने की अवधि के रूप में देखा जा सकता है। तो इस समय वो स्वयं भाषा सीख रहा है, इस रूप में देख सकते हैं। भाषा के बारे में और बहुत सारे विस्तृत जानकारी है। मौखिक भाषा जिसको हम सुनना और बोलना कहते हैं,
मौखिक भाषा को हम एक निवेश के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, निवेश के रूप में देखें, इसमें तीन बातें कही गई है। अपने बारे में बातें करने के अवसर दें, मौखिक भाषा को निवेश के रूप में कहें कि बच्चे को उसके बारे में बात करने का अवसर दें। अवसर और स्वतंत्रता मिलने पर बच्चे अपने बारे में बताते हैं, और जैसे ही बच्चे खुल जाएंगे, जिसको हम कहते हैं बोलचाल की भाषा में, वो अपने बारे में बताएंगे, तो उस समय उसको बोलना वो सीख रहा होता है। अपने बारे में बता रहा है तो अपने अनुभव बता रहे हैं, बोल रहा है, पढ़ रहा है, सीख रहा है। तो भाषा सीखने के लिए बच्चों को ये तीन अवसर अवश्य मिलना चाहिए। एक तो अपने बारे में बात करने का उसको अवसर देना चाहिए, स्कूलों में वस्तुओं और अनुभवों के बारे में बात करने का अवसर देना चाहिए। स्कूल के कोई चित्र है या उनके अनुभव है, उसके बारे में बात करने का अवसर देना चाहिए। जैसे दुकान के बारे में पूछे, या किसी पेड़ के बारे में पूछे, या किसी अन्य वस्तु के बारे में पूछे जो स्कूल में उपलब्ध है। तो इससे से बच्चा खुलेगा, बोलना चालू करेगा, लिखना चालू करेगा, पढ़ना चालू करेगा। तस्वीरों से बात करने, चाहे कोई भी तस्वीर दिखा दे और उस तस्वीर के बारे में बात करना चाहिए। तो ये हम संक्षिप्त में पढ़ना के बारे में देखते हैं कि पढ़ना क्या है। पढ़ना यानी कि पठन। पठन अनिवार्य रूप से अर्थ बनाने की प्रक्रिया है। आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, पढ़ना क्या है? तो पढ़ना का आशय है कि अनिवार्य रूप से अर्थ बनाने की प्रक्रिया होती है। अर्थात हम जब किसी वाक्य को पढ़ रहे होते हैं, किसी कंटेंट को पढ़ रहे होते हैं, तो उस समय हम एक अर्थ बनाने की प्रक्रिया कर रहे होते हैं। इसको पढ़ने के बाद क्या क्या बातें कही गई है, तो ये कहलाता है। बोध पठन एक अभिन्न अंग है। समझ करके पठन, नॉलेज के साथ पढ़ना, पढ़ने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है। पठन में मुख्यतः तीन बातें होती है। एक तो है साझा पठन। स्कूलों में तीन बातें हैं, एक साझा पठन है। इसमें शिक्षक सबसे अधिक सहायता करता है साझा पठन कराने के लिए, एक साथ पढ़ाने के लिए। शिक्षक जितने प्रकार के निर्देश देते हैं, कैसे पढ़ना चाहिए, इस तरह के जो पठन होता है, तो हम उसको साझा पठन कहते हैं। दूसरा है निर्देशित पठन। इसमें शिक्षक निर्देश देते रहता है कि अल्प विराम है तो कैसे रुकना है, पूर्ण विराम है तो कैसे रुकना है, किसी शब्द को हाईलाइट करना है तो कैसे पढ़ना है। तो ये इस तरह की जब बातें करते रहते हैं, तो उस तरह से निर्देशित पठन कहलाता है। और स्वतंत्र पठन में होता है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देते हैं, अब आप पढ़िए, और बच्चे उस समय, शिक्षक उस समय कम मेहनत करता है, या पढ़ने में बच्चों को कम से कम सहायता प्रदान करता है। पढ़ने के विभिन्न पहलू होते हैं, आयाम होते हैं। पढ़ने के जो विभिन्न पहलू हैं, उनमें से एक पहलू पर हम बात करें। मुख्यतः चार उसके पहलू है, आयाम है पढ़ने के, जिसमें से पहला है पढ़ने का संज्ञानात्मक पहलू। इसमें संज्ञानात्मक फिर नाम से ही पता है कि ये मानसिक प्रक्रिया और रणनीति पर केंद्रित है। इसमें कुछ बातें समृद्ध है, जैसे सतत ध्यान, तो ध्यान लगा करके पढ़ना, ध्यान को केंद्रित करके पढ़ना। दृश्य भेद, इसमें विभिन्न अक्षरों को और ध्वनियों के बीच में भेद करते हुए पढ़ना, अना न, इस तरह के अक्षरों में भेद करते हुए पढ़ते हैं, तो वो दृश्य भेद के अंतर्गत आता है। अनुक्रमिक प्रसंस्करण, इसमें शब्दों की आकृति और पाठ के वाक्य संरचना को समझना। कल्पनाशीलता, जब कोई वाक्य पढ़ रहे हैं तो उसके पुरानी चीज का कल्पना करते हैं, या आगे क्या होने वाला है उसका कल्पना करते हैं। किसी तो चित्र को देखें, यदि उस चित्र को देख करके वो ये कल्पना कर सकता है कि बादल का चित्र बना हुआ है, तो वो ये कल्पना करेगा कि पिछले साल बरसात हुआ था या बरसात होने वाला है। ये इस तरह की पढ़ने के जो पहलू है, योजना बना करके पढ़ना। पढ़ने के पहलू में पढ़ने का भाषा, जिसको हम विज्ञान संबंधी पहलू कहते हैं, ये विज्ञान संबंधी पहलू भाषा की प्रकृति पर, नेचर पर केंद्रित होता है, जिसमें वाक्य संरचना और अर्थ निर्माण की प्रक्रिया शामिल होती है। अर्थ संबंधी समझ, वाक्यों में शब्दों और उनके अर्थों को समझना।
वाक्य रचना की स्पष्टता, व्यवहारिकता, ये बातें रहती है। इसके बाद है पढ़ने का सामाजिक पहलू रहता है, जिसमें परिवार है, स्कूल है, समाज है, प्रिंट रिच वातावरण है और पढ़ने का मनोवैज्ञानिक पहलू, ये इस तरह से पढ़ने के बारे में है। इसके आगे लिखने के बारे में है, चूँकि हमको दो कोर्सों को पूरा करना है तो हम लिखने के बारे में आपसे चर्चा नहीं कर पा रहे हैं। और पढ़ने से जुड़ी कुछ रणनीति है, आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। पूर्व ज्ञान का उपयोग करना, पूर्व ज्ञान का उपयोग करने का आशय है, पहले समय किसी शब्द को दोबारा यदि सामना करते हैं, पढ़ते समय कोई शब्द फिर से आ गया तो उस जिस उदाहरण में पढ़ा हुआ है उस उदाहरण तक वो पहुंच जाता है, अर्थात वो पूर्व ज्ञान तक पहुंच जाता है। इसके बाद है अनुमान लगाना, पढ़ना शुरू करने से पहले चित्रों और शीर्षकों की मदद से ये अनुमान लगा लेता है। जैसे मैंने अभी आप उदाहरण दिया था कि बादल को देख करके बारिश होने का अनुमान लगा लेता है। प्रश्न करना, पढ़ने से पहले शिक्षक को चाहिए कि कुछ प्रश्न करे। जैसे यदि हम पेड़ों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो शिक्षक पेड़ों के बारे में पढ़ाने से पहले एक प्रश्न कर सकता है कि पेड़ों से क्या लाभ है, उसके बाद पढ़ाना चालू करें। ऐसा करने से बच्चे की मनोमस्तिष्क ध्यान उसका केंद्रित हो जाता है। निष्कर्ष निकालना, किसी चित्र को देख करके निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि खेत का चित्र देखें तो उस चित्र को देख करके ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इसमें किसान के बारे में बातें कही गई होगी, ये इस तरह से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कल्पना करना, कल्पना करना से आशा ये है कि किसी चित्र को देखें या किसी वाक्य को पढ़ने के बाद यदि खेलते हुए कोई चित्र को देखें तो वो ये कल्पना कर सकता है कि हमने कभी मान लो क्रिकेट वो खेला है या कोई और गेंद खेले हैं, तो हमने उस समय भरी धूप में खेल रहे थे तो हम गेंद को कैसे ढूंढ रहे थे, तो वो इस तरह की वो कल्पना कर सकता है। पढ़ने में बाल साहित्य क्या क्या उपयोग है, तो बाल साहित्य के उपयोग तो बहुत सारे हैं। इसमें से कहानी की किताब होने चाहिए, विभिन्न शैलियों की पुस्तकें होनी चाहिए, बहुत सारे पुस्तकें होने चाहिए, और बाल जो साहित्य है उस बाल साहित्य को हम कैसे पढ़ने समझने लिखने बोलने में उपयोग करें, तो मैं अब एक कहानी बताता हूँ और उसके बाद मैं अपनी बातें समाप्त करता हूँ कि बाल साहित्य का कैसे कैसे उपयोग होता है। एक कहानी है, एक मुर्गी की कहानी है। उनके दो चूजे होते हैं, दो बच्चे रहते हैं, जिसमें से एक का नाम लालू होता है और एक का नाम पीलू होता है। लालू को लाल लाल वस्तुएं पसंद होती है और पीलू को पीला पीला वस्तुएं पसंद होती है। लालू एक पौधे को देखता है और उसमें एक लाल रंग का चीज दिखाई देता है, उसको खा जाता है। खाने के बाद उसके जीभ में जलन होता है। पीलू उसके जीभ को जलन को देखता है तो पीलू को पीला पीला चीज पसंद है, वो पीले पीले गुड़ को लेकर के आता है और लालू को खिला देता है, जिससे उसकी जलन कम हो जाती है। ये एक कहानी है। इस कहानी से हम पढ़ना लिखना कैसे सिखा सकते हैं, कल्पना शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो कुछ प्रश्न ऐसे रख सकते हैं, यदि उस मुर्गी के एक और बच्चे होते तो उसका क्या नाम होता, मान लो उसका नाम नीलू होता तो वो क्या खाता, तो ये इस तरह की बातें सिखा सकते हैं बाल साहित्य के माध्यम से। तो स्कूलों में बाल साहित्य रखना चाहिए, लर्निंग कार्ड के रूप में रखना चाहिए और इन बाल साहित्यों का उपयोग करके पढ़ना लिखना सीखना, अर्थात बुनियादी साक्षरता को बेहतर ढंग से डेवलप किया जा सकता है। तो साथियों, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि इस कोर्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप सक्षम हो जाएंगे कि बुनियादी साक्षरता बच्चे में कैसी आनी चाहिए। धन्यवाद। और हम अगले कोर्स 5 है, जिसके बारे में मैडम स्वाति दास आपको बताएंगे।
धन्यवाद सर, और आप सभी साथियों को भी मैं पुनः स्वागत करना चाहूंगी। अभी